चलिए, तो क्लोरीनेशन हो गया था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन स्टार्ट किया, उसमें क्लोरीनेशन हो गया। अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ब्रोमिनेशन की तरफ। कहां पर बढ़ते हैं हम? ब्रोमिनेशन हैलोजिनेशन के अंदर सेकंड देख रहे हैं हम, क्योंकि हैलोजिनेशन में फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद हमने देखा क्लोरीनेशन, अब देख रहे हैं हम ब्रोमिनेशन। तो वैसे थर्ड नंबर आता है, लेकिन हम इसको देंगे यहाँ पर नंबर टू, क्योंकि फ्लोरिनेशन तो नहीं हुआ था ना। तो अब हम देख रहे हैं ब्रोमिनेशन, ये हैलोजिनेशन के अंदर है, ब्रोमिनेशन। ओके, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन मतलब रिएक्शन सिंपल है, जैसे क्लोरीनेशन हुआ वैसे ब्रोमिनेशन। मतलब आपने लिया अल्केन, आपने लिया Br2 यानी ब्रोमीन। ये रिएक्शन यूवी लाइट के प्रेजेंस में भी होती है। अगर यूवी लाइट रहा तो क्या रहेगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कल देखा अपन ने, क्लोरीनेशन, बराबर है ना। लेकिन लाइट के प्रेजेंस में इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ये रीजन क्या है? क्योंकि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है ना क्लोरीन से, तो लाइट इज नॉट सफिशियंट। होता है लेकिन उतना अच्छे से नहीं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से देगा इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान से देखना है इसको। ओके, चलिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से देखा, दोनों में प्रोडक्ट तो सेम है, एच जाएगा Br आएगा, बोलो क्या बनाएगा? RBr+HBr, अल्काइल ब्रोमाइड, और IUPAC नेम ब्रोमो अल्केन, सिंपल। चलिए अब हम आते हैं डायरेक्ट एक एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। पहले मैं आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है वो बता देता हूं। जैसे आपने लिया यहां पर RH, क्या लिया आपने? RH, और यहां पर लिया हमने Br2, क्या लिया? Br2। तो एक्चुअली कैसे होता है? एक्चुअली क्या होता है, पहले जो Br होता है, Br इज अ सिमेट्रिकल रिएजेंट। सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड सेम है ना, Br। यहां पर आएगा लेविस एसिड, ये AlBr3 कौन है? लेविस एसिड। Al ने कितने बॉन्ड बनाए यहां पर, बोलो? तीन। और दो किसको दिख रही है? अरे तीन बॉन्ड है ना, कितने बॉन्ड है? तीन बॉन्ड। तीन बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? छह इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हुई क्या? अरे कहां से हुई, आठ चाहिए ना ऑक्टेट के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना? यस, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इनके पास, जो हम जनरली शो नहीं करते हैं, तो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये काम कर रहा है लेविस बेस का, इलेक्ट्रॉन देने वाला। ये काम कर रहा है लेविस एसिड का, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला, यानी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बन रहा है। ये क्या बन रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लेने वाले। और ये न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। ओके, ठीक है। अब उसने समझो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो यहां के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ भागेंगे? इस Br की तरफ, बरोबर। अरे भाई इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे ना, जब इस तरफ अट्रैक्ट हो गए तो यहां पर ये क्या बनेगा? पार्शियल निगेटिव। क्या बनेगा? पार्शियल निगेटिव। और ये क्या बनेगा? पार्शियल पॉजिटिव। और अब यहां पर कंप्लीटली ये Br इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जब Br इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो क्या बनेगा? Br+ इलेक्ट्रोफाइल। और चला गया कौन? AlBr4। अरे भाई एक Br मिल गया ना उसको, पहले Br क्या था? न्यूट्रल था ना, अब एक Br- उसके पास आ गया, इसलिए ऊपर चार्ज क्या आएगा? माइनस। अरे भाई एक Br+ बना, एक माइनस, तो माइनस वाला जब इसके साथ जाएगा तो ऊपर माइनस चार्ज आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? उनको हिला, उनको इधर देखो, हाँ यहां पर देखो। अब ये जो Br+ बना है ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा? देखो ये है अल्केन, कौन है ये? अल्केन। अपने को पता है पॉजिटिव और कार्बन कौन रहेगा? निगेटिव, पार्शियल रहता है, बहुत ज्यादा नहीं। आपने लेकर आया Br+, क्या लाया आपने? Br+ जो यहां पर तैयार हुआ है, तो इसको रिप्लेस करेगा ना वो। अरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है? रिप्लेस। तो यहां पर क्या बन जाएगा? RBr+ H+ गया ना बाहर, अरे H+ गया ना,
ये एच प्लस का इंतजार कौन कर रहा था पहले से, ये बी आर, बराबर है कि नहीं है? तो ये ए एल बी आर थ्री एस रिएक्शन करेगा, ए एल बी आर फोर पहले यहां पर है ना, कहां से आया एल बी आर फोर, ये वाला दिखा क्या? तो एक बी आर ले लेगा ये एच, बोलो क्या बन जाएगा, ए एल बी आर थ्री दे दिया उसने बी आर, अरे बी आर दे दिया ना इसने, एक बी आर चार में से इसके पास आ गया तो क्या बनेगा, मैंने शॉर्ट में बता दिया ठीक है, एच बी आर, समझा गया? तो ए एल बी आर थ्री एज इट इज जैसा शुरू में था वैसा लास्ट में मिल गया, तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है ना, ये लेविस एसिड है, तो इसको जनरल रिएक्शन लिखते हैं हम ऐसा, ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया ठीक है, एच जाएगा बी आर आएगा, सिंपल रिएक्शन, समझा? चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां पर, एग्जाम्पल नंबर वन हमने लिया है मीथेन, क्या लिया हमने, मीथेन, और उसका हम कर रहे हैं ब्रोमिनेशन, तो जनरली पूरे इलेक्ट्रोफिलिक वाले आते हैं, मतलब ए एल बी आर थ्री इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये वाला जो हम देख रहे हैं ना ठीक है, तो एक एच जाएगा एक बी आर के साथ में क्या बनाएगा, सी एच थ्री बी आर, और जो बी आर गया एच के साथ में एच बी आर, मतलब क्या बना है, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, आईयूपीएसी नेम ब्रोमो, एक कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है मीथेन, ब्रोमो मीथेन, कुछ मुश्किल, नो मुश्किल, आपने लिया एग्जाम्पल नंबर टू, क्या लिया एग्जाम्पल नंबर टू, सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, कौन है ये, प्रोपेन, कौन है ये, प्रोपेन, आपने लिया प्रोपेन, आपने किया ब्रोमिनेशन ए एल बी आर थ्री के प्रेजेंस में, पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से एच जा सकता है तो क्या बनाएगा, सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच थ्री आइसो, या क्या बोल सकते हैं आप इसको, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड प्लस, तो पॉसिबिलिटी नंबर टू यहां से जा सकता है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर, और एच बी आर तो जाएगा इस ना, ओके एच बी आर एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, यानी वन ब्रोमो प्रोपेन, इसका आईपीएसी नेम दिया तो वन टू थ्री, टू पे ब्रोमो है तो टू ब्रोमो, तीन कार्बन वाला इसलिए प्रोपेन, इधर वन टू थ्री, वन पे ब्रोमो है इसलिए वन ब्रोमो प्रोपेन, समझा ठीक है, ओके ये बनेगा मेजर, कल देखा ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, और ये बनेगा माइनर क्योंकि ये सेकेंडरी हाइड्रोजन से आ रहा है और ये प्राइमरी से, कल देखा ना हमने कंसेप्ट, सेम वही रिपीट हो रहा है ठीक है। चलो अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो थोड़े से टिपिकल हो, जैसे अगर उसने आपको दे दिया बॉन्ड लाइन में वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन मतलब कौन, ब्यूटेन, कौन है ये, यानी एन ब्यूटेन है ये, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का ब्रोमिनेशन करेंगे बी आर टू ए एल बी आर थ्री, क्या ब्रोमिनेशन, कितने पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट, तोबा ये ऐसा होता नान खलियों का असर, अरे कितने बनेंगे, एक यहां से जा सकता है और एक यहां से जा सकता है क्योंकि ये और ये सेम है ना, और ये सेम है, तो पॉसिबिलिटी नंबर वन टू ब्रोमो ब्यूटेन, क्या बनेगा, टू ब्रोमो ब्यूटेन, पॉसिबिलिटी नंबर टू वन टू थ्री फोर वन ब्रोमो ब्यूटेन, समझा, टू ब्रोमो ब्यूटेन वन ब्रोमो ब्यूटेन, मेजर कौन सा रहेगा, ये रहेगा मेजर, इसका कॉमन नेम क्या रहेगा, सेकेंडरी कार्बन है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो बा तो बा तो बा,
कौन ही है? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और वो नॉर्मल है तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ तो सब लोग जाग रहे हैं, ये दो आदमी और वो दो आदमी उधर से आ जाओ आखिरी बेंच, ये दो और ये दो आदमी तुमको दिखेंगे ना वहां से, नहीं दिख रहा है? हाँ सब लोग जरा ध्यान से देखो, क्या सब लोग जाग रहे हैं? ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 4 कोई साइक्लिक वाला दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दे दिया साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल कल देखा ना क्लोरीनेशन में, तो वो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, सिंपल वाला आपने लिया Br2AlBr3, यहाँ सब सेम है ना CH2 CH2 CH2, अरे कहीं से भी निकालो कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो एक एच जाएगा और क्या आ जाएगा? Br, और कौन बना? HBr, साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड, कौन है ये? साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड, और IUPAC नेम ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, साइक्लिक है ना? ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, समझा? पढ़े जाइए सर, सला ब्रोमिनेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया, थर्ड आयोडिनेशन, थर्ड कौन सा देखते हैं हम? आयोडिनेशन। चलो हम आगे बढ़ते हैं, सब लोग तैयार हैं, सब लोग जाग रहे हैं, हाँ थोड़ी अच्छी आदतें डालो, आप अच्छे बनेंगे, अगली जनरेशन भी अच्छी बनेगी। एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, अरे घोड़ी वाली भूल गए, अरे वो घोड़ी नानी, घोड़ी की नानी, अरे नहीं भूल गए आप लोग, अरे अच्छी आदतें आपके अंदर जो है हेरिडिटी का काम करती है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। मैंने एक स्टोरी सुनाया था आपको, एक लड़का रहता और एक लड़की रहती है। आगे समझ गए, हाँ ये पुराने जमाने की कहानी है, दोनों प्लान करते हैं भागने का, घर से भागने का, आजकल अलग भागते हैं, उस जमाने में घोड़े रहते थे, जानवर रहते थे, तो प्लान बनाते कि रात में लड़का बोलता मैं घोड़ा लेकर आऊंगा, तुमने घर में से अपना सामान, अभी बैग लेकर भागते ना, वो पहले पोटली रहती थी, पोटली लेकर भागने का, ठीक है, तो वो तैयारी करती लड़की, ये जाता घोड़े वाले के पास, घोड़े वाला बोलता यार घोड़ा तो एक भी नहीं है, एक घोड़ी है, बोले चलेंगी क्या? बोले तो बोलता चलेंगी, कुछ भी चलेंगी, बस दौड़ेंगी। बोले लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, उसको पानी में नहीं ले जाना, क्योंकि ये जो घोड़ी है बोले ये पानी से डरती है। तो बोले क्यों? हेरिडिटी, बोले उसकी माँ भी पानी से डरती थी। तो बोले क्यों? क्योंकि उसकी नानी पानी से डरती थी, बोले। तो बोलता अच्छा अच्छा ठीक है मैं पानी का एहतियात करूँगा। अब जनाब घोड़ा लेते, घोड़ी लेते, लड़की के घर जाते रात को, आवाज़ लगाते, वो पोटली लेकर आ जाती, दोनों बैठते और भाग जाते हैं। अब घोड़ा घोड़ी दौड़ाते 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 वो पहुंच जाते हैं नदी के पास। अब नदी में वो घोड़ी उतरती नहीं है, अब वो घोड़ी नदी में जब उतरती नहीं है तो घोड़े वो आदमी को याद आता है, लड़के को, अरे यार घोड़े वाले ने बोला था ये पानी में नहीं उतरती, पानी से इसको डर लगता है। तो वो क्या करता है, थोड़ा ट्राई करता है, फिर बाद में अचानक इरादा बदल देता है। जब इरादा बदल देता है तो वो लड़की को बोलता है कि चलो तुम्हारे घर तुमको वापस छोड़ देता हूँ। लड़की बोलती क्या, इतना बड़ा रिस्क लिए घर से भाग कर आया वापस? बोले मेरे को घोड़े वाले की बात याद आ गई। बोले क्या? घोड़ी पानी से डरती क्योंकि उसकी माँ पानी से डरती थी, माँ पानी से डरती थी क्योंकि उसकी नानी पानी से डरती। तो मैंने सोचा अगर हम भाग कर शादी करेंगे तो मेरी बेटी भी भाग कर शादी करेंगी, फिर उसकी बेटी भी भाग कर शादी करेंगी, हमारा खानदान तो भगोड़ा बन जाएगा पूरा। अरे समझे क्या? तो बराबर है कि नहीं है? तो अकलमंद लोग चीज़ों से सीख लेते हैं, बराबर है कि नहीं है? तो उसको वापस छोड़कर आ जाता है वो और तौबा कर लेता है बेचारा। तो इसलिए अच्छी आदतें अपने अंदर लाओ, अच्छे बनो, नेक बनो, आपकी जनरेशन भी क्या बनेगी? नेक बनेगी। तो ये बहुत अहम चीज़ है। एक अच्छा वाक़या था, ये सुना था मैंने, ठीक है, एक जगह कोटेशन लिखा हुआ था, बाप जो है बेटे को नसीहत कर रहा है, बेटे
सही रास्ते पे चलना, अच्छे रास्ते पे चलना, बुरे रास्ते से बचना। तो बेटे ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया, छोटा था वो बोला मुझे क्या पता रास्ता कौन सा है, मैं तो उसी रास्ते पे चलूंगा जिस रास्ते पे आपको देखूंगा। सिंपल सी बात है, आपके फुटप्रिंट पे मैं चलूंगा। तो बच्चे बड़ों को देखते हैं, वालदैन को देखते हैं। तो अब ऐसे मत सोचो कि मैं बिगड़ा हुआ है, मतलब पेरेंट्स हमारे बिगड़े हुए थे, ऐसा नहीं है। कभी माहौल, हालात, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, ये भी बिगाड़ देता है, बराबर है कि नहीं। वालदैन तो अच्छी तरबियत देते हैं, लेकिन आप अपना सोचो आगे का, पिछला जो गया उसका नहीं सोचने का, आने वाला सोचो। अपनी जनरेशन को सुधारना है तो आप सुधर जाओ, पहले नेक बन जाओ, ठीक है। चलिए वापस आ जाइए। तो क्या सब लोग जाग रहे हैं? पढ़ाई के मामले में भी ऐसे होना है, आप जितनी मेहनत कश बनेंगे ना, कुछ बच्चे बोलते कि लाइफ में हमको थोड़ी कुछ करना है, हमको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, क्यों मेहनत करना। आपके मेहनत करने की आदत भी नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, हाँ साइंटिफिक है। पेरेंट्स जो हार्डवर्किंग करते हैं ना, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है उनकी चीजें। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आयोडीनेशन, अब कौन सा है? आयोडीनेशन। क्लोरीनेशन देखा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद हमने देखा ब्रोमिनेशन, देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप ठीक से बैठो, ऐसा गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। पहले आप लेट आए नाच, फिर थर्ड है आयोडीनेशन, क्योंकि फ्लोरीनेशन तो पॉसिबल नहीं था ना, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम आयोडीनेशन। आयोडीनेशन, हाइड्रोजन जाएगा, आयोडाइड आएगा, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है जरा ध्यान से देखो। RH मतलब कौन? अल्केन। आप लेंगे I2H, जाएगा I, आएगा RI, और क्या बनेगा? HI। बट दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो यहां पर क्यों है ये रिवर्सिबल, बिकॉज HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। HI कौन है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं हम? ये रिएक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, मतलब HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr, इज मोर रिएक्टिव देन HCl। देखो, एंड HCl इज मोर रिएक्टिव देन HF। HF तो जल्दी ब्रेक ही नहीं होता, रिएक्शन ही नहीं देता है, ठीक है। तो HI क्या हुआ? H पॉजिटिव है, I निगेटिव है, और H स्मॉल है और I बिग है, दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड इजिली ब्रेक होता है। इजिली ब्रेक होता है तो इजिली H मिलता है ना अपने को। जब इजिली ब्रेक होगा तो इजिली H मिलेगा, इजिली H मिलेगा तो क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक होगा ये H दे देगा वापस इसको। जब H इसको वापस मिल जाएगा तो फिर से क्या बन जाएगा? RH, रिएक्शन रिवर्स। इसने एच दिया क्योंकि आसानी से ब्रेक होता है ना, तो आसानी से ब्रेक होकर इसको एच दे दिया वापस, रिएक्शन रिवर्स। जहां पर एच ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मोहतरमा उनको हिलाओ, हाँ। जहां पर हाइड्रोजन ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन किसने दिया? एच आई। तो इसने रिडक्शन किया ना, मतलब इसलिए वो कौन बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन करता है, जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। आप बोलेंगे पिछले वाले रिएक्शन में क्यों नहीं होता HCl HBr रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो वीक है, वेरी वीक, वो इजीली ब्रेक नहीं होते। HI बहुत जल्दी ब्रेक होता है, रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। मतलब अगर आयोडीनेशन करना है तो HI को बनने नहीं देना है, अगर आयोडीनेशन करना है तो HI को ब्रेक होने नहीं देना है, HI को बनने नहीं देना है। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आयोडीनेशन तो होना लेकिन HI नहीं बनना। तो HI रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके अपोज में किसको लेकर आएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुन्नी इधर देखो, ये यहां पर, हाँ, उसके अपोज में किसको लेकर आएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने वाले हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HGO मर्क्यूरी ऑक्साइड, HIO3 हाइड्रो आयोडिक एसिड,
HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनका काम है HI को बनने से रोकना। कैसे? देखो पहला रिएक्शन फर्स्ट इसके अंदर एडिनेशन में बाय यूजिंग HGO, बाय यूजिंग HGO आप लेंगे 2 moles ऑफ अल्केन, आप लेंगे 2 moles ऑफ आयोडीन, आप लेंगे HGO, तो क्या होगा? देखो आर आर, दो आर है, 2 2s 4 में से दो आई ले लो, दो आर ले लो, दो आई ले लो, क्या बन जाएंगे? 2 moles ऑफ आर आई, मतलब अल्काइल आयोडाइड, बन गया अल्काइल आयोडाइड, अरे बना गया। अब दो एच बचे, दोनों आर एच, आर एच दो एच है ना, दो एच, और ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा? H2O। अब क्या बचा? Hg बचा, और 2 2s 4 में के दो आयोडाइड बचे हुए ना, क्या बनाएगा? HgI2, मर्क्यूरी आयोडाइड। तो HI नहीं बना तो अपना रिएक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको, अल्काइल आयोडाइड तैयार है। अब आराम से बैठो ना, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जाग रहे हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आप नहीं भी बोले तो लेंगे ना अपन। हाँ क्या लेने का? 2 moles ऑफ इथेन, क्या लिया? 2 moles ऑफ इथेन प्लस 2I2 प्लस HGO, ये एक एक हाइड्रोजन लॉस करेंगे तो क्या मिलेंगे? 2 moles ऑफ C2H5, अरे 4 का से एक ही हाइड्रोजन दे रहा ना वो, C2H5 दोनों ने एक एक लॉस किया है, और दो आई यहां पर आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? C2H5I, दो मिलेंगे ना, C2H5I, इथाइल आयोडाइड, यानी आयडो इथेन IUPAC नेम। बचे दो आई, HG के साथ जाएंगे, बोलो क्या बनाएंगे? HGI2, इसका बचा हुआ ऑक्सीजन, C2H6 ने एक हाइड्रोजन लॉस किया, दूसरे C2H6 ने एक हाइड्रोजन लॉस किया, दो हाइड्रोजन है ना, क्या बनाएगा? H2O। हो गया रिएक्शन, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल, चला पुढे जायचा। हाँ इकड़े बघा, इसी के अंदर दूसरा, बाय यूजिंग HIO3 हाइड्रोआयोडिक एसिड, आपको याद रखना है, अब इसमें आपको यूज करना है अल्केन 5 moles, कितने moles? 5 moles ऑफ अल्केन प्लस 2I2 प्लस HIO3, समझा? हमने 5 इसलिए लिया क्योंकि आयोडाइड भी 5 है ना अपने पास, 2 2s 4, और इसके अंदर एक, तो 5 अल्केन ले लेंगे ना, काम हो जाएगा ना। RH, कितने RH है? 5, सबने एक एक हाइड्रोजन लॉस किया तो कितने H मिलेंगे? 5 हाइड्रोजन, और ये एक हाइड्रोजन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और ये कितने हो गए? 6, और ऑक्सीजन 3, क्या बनेगा? 3H2O, 3 2s 6, 6 हाइड्रोजन आ गए और ऑक्सीजन 3 आ गए, दिखे क्या? अरे दिखे क्या? हाँ 3H2 हो गया, बचे R कितने? R 5, और इधर 2 2s 4, और एक I, 5, 5RI, मतलब 5 अल्काइल आयोडाइड, समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। एग्जाम्पल लेते हैं इथेन का, C2H6, कितने लेना पड़ेंगे? 5, 2I2 प्लस HIO3, C2H6, सबने एक एक हाइड्रोजन दिया, कितने? 6, अरे 5 है ना, अरे 5 है तो एक एक हाइड्रोजन दिया सबने, 5, और ये एक,
तीन ऑक्सीजन, 3H2O, कितने C2H5 बनेंगे यहां पर, पांच, और आई भी कितने हैं, पांच, तो 5 मोल्स ऑफ C2H5I, इथाइल आयोडाइड, आयोडोइथेन, समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल. By using HNO3, by using HNO3, यहां लेना है 8 मोल्स, कितने लेना है, 8 मोल्स ऑफ अल्केन, RH, इको में था, इको में कितने RH, 8 RH, 4I2, 4 क्यों लिया, 4 दोनी 8, 8 मिलेंगे ना अपने को, 8 R है और ये भी 8 है, HNO3 एजेंट. चलो देखो, 8R, 4 2's are 8I, समझा? हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, एक एक सबने एक एक लॉस किया तो 8 हाइड्रोजन, और ये एक मिला है तो 9 हाइड्रोजन, कितने हैं, लेकिन तीन ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन लगते हैं, 6 लगते ना, ऊपर लिए ना, तो 3H2O में सिर्फ 6 हाइड्रोजन लगेंगे, बचे कितने हाइड्रोजन, कितने बचे, 3 बचे, वो 3 और ये नाइट्रोजन मिलके क्या बन जाएगा, NH3 अमोनिया, समझा? एग्जांपल की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे. सेम आपको इथेन लेना है, 8, समझा, 8 इथाइल आयोडाइड बन जाएंगे, सिंपल. कुछ मुश्किल? नो मुश्किल. इसको स्टॉप कर दो.